नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन सचदेवा आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से। और आज मैं बताने जा रहा हूँ एक्यूप्रेशर के वो बिंदु जिनसे आप एड़ी के दर्द में आराम पा सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, हील पेन, हील में जब स्पर हो जाता है जमीन पर पैर रखना मुश्किल हो जाता है, खासकर सुबह जब जमीन पर पैर रखो तो जमीन पर पैर रखना ऐसा लगता है कि कुछ वहां पर जख्म हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे कौन से एक्यूप्रेशर बिंदु हैं, कैसे उनको स्टिमुलेट करेंगे, कौन से मैग्नेट वहां लगाएंगे जिससे इस एड़ी के दर्द से आप निजात पा सकें, आज आइए दोस्तों उसको सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो एक्यूप्रेशर की रिंग है और जो मिडिल फिंगर है, इस मिडिल फिंगर पर एक्यूप्रेशर की रिंग को इस तरह से 1 से 3 मिनट तक चलाना है। मिनिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट। इस तरह से इसको जब आप स्टिमुलेट करते हैं तो पूरी लेग में, पैर पे आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। इसके बाद आपको दोनों हाथों पर चार चार मैग्नेट लगाने होते हैं। वो कौन से मैग्नेट लगेंगे, कैसे लगेंगे, आइए उसको अब हम सीखते हैं। बेसिकली इसमें आपको एक टेप पर 2 येलो मैग्नेट विजिबल और 2 व्हाइट मैग्नेट विजिबल लगाने होते हैं। ये जो किट आपको मैंने बताई थी, पूरी की पूरी किट आती है जिसमें स्टार मैग्नेट, ब्योल मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट, रिंग, बॉल, एक्यूप्रेशर की बुक जिसके अंदर 200 प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मैग्नेट आ गए और ये मैग्नेट आ गए। मैं एक बारी लगा कर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये सबसे पहले ये समझना है कि ये ब्योल मैग्नेट जो है, एक एक साइड से वाइट है और दूसरी साइड से यही मैग्नेट आप देखोगे तो येलो है। अब देखें आपको क्या करना है, ये जो मिडिल फिंगर है, इस मिडिल फिंगर पर 2 साइड्स होती है, एक इंडेक्स फिंगर वाली और एक रिंग फिंगर वाली। जो रिंग फिंगर वाली साइड है वहां पर आपको इस तरह से कॉर्नर पर 2 व्हाइट मैग्नेट विजिबल लगाने हैं। देखें ये जो रिंग फिंगर वाली साइड है, नाखून के साथ में 2 व्हाइट मैग्नेट विजिबल लगाने हैं, और जो इंडेक्स फिंगर वाली साइड है वहां 2 येलो मैग्नेट विजिबल लगाने हैं। देखिए ये इंडेक्स फिंगर वाली साइड है और यहाँ 2 येलो मैग्नेट विजिबल, 2 व्हाइट मैग्नेट विजिबल, 2 येलो मैग्नेट विजिबल। इसी तरह से दूसरे हाथ पे भी, ये अगर आपको लेफ्ट एडी में दर्द रहता है तो सिर्फ लेफ्ट हैंड में लगाना है, राइट एडी में दर्द रहता है सिर्फ राइट हैंड में लगाना है, और अगर दोनों एडियों में दर्द रहता है तो बाइलेटरल लगाना है। इन मैग्नेट को कम से कम 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे लगाकर रखना है। मिनिमम 4 आवर, मैक्सिमम 8 आवर्स। देखिए अब ये रिंग फिंगर वाली साइड व्हाइट मैग्नेट विजिबल नाखून के अलोंग, और इंडेक्स फिंगर वाली साइड येलो मैग्नेट विजिबल। ये देखिए ये व्हाइट मैग्नेट विजिबल आ गए रिंग फिंगर वाली साइड, और ये येलो मैग्नेट विजिबल आ गए इंडेक्स फिंगर वाली साइड। ये येलो मैग्नेट विजिबल है और ये व्हाइट मैग्नेट विजिबल है। ये नाखून के अलोंग आ रहे हैं दोनों साइड्स पर, इंडेक्स फिंगर वाली साइड येलो विजिबल दोनों मैग्नेट, और रिंग फिंगर वाली साइड व्हाइट मैग्नेट विजिबल दोनों साइड। तो जब यह ट्रीटमेंट करेंगे 4 घंटे कम से कम और 8 घंटे ज्यादा से ज्यादा रोज लगाना शुरू करेंगे तो दोस्तों पहले ही हफ्ते में आपको एड़ी के दर्द में काफी आराम आ जाएगा। जिन लोगों का बिल्कुल नया नया और बहुत एक्यूट नहीं है उनको पहले दिन से इसमें आराम आएगा। जैसे ही वो रिंग करनी शुरू करेंगे सर्कुलेशन बढ़ेगा, पेन में कमी आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों जिनका विटामिन डी कम रहता है उनको अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से विटामिन डी खाना भी चाहिए और धूप के माध्यम से विटामिन डी को प्राप्त भी करना चाहिए ताकि आपकी हड्डियां स्ट्रांग रहें, आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जगमोहन सचदेवा आप सबसे अब विदा लेता हूं। नमस्कार।